हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में, जो कि है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड की। तो क्या है इकोनॉमिक्स का सिलेबस, अच्छे से जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस का। आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर है वो 80 नंबर का आता है रिटन एग्जाम, और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होता है। जो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स की बुक आपकी 40 नंबर की है और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आपकी 40 नंबर की है। जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, जैसे कि अलग अलग डायग्राम बनाना, बार डायग्राम, पाई चार्ट, मीन, मीडियन, मोड, ये सब। तो अब हम एक एक करके कंटेंट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए के बारे में, जो कि 40 नंबर का है। इसका यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड दोनों कंबाइंड 13 मार्क्स के हैं। यूनिट फर्स्ट में आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन, यानी इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका स्कोप, फंक्शंस, इम्पोर्टेंस क्या है। तो काफ़ी छोटी यूनिट है आपकी फर्स्ट यूनिट। यूनिट सेकंड में आता है कि जो भी डेटा होता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो, तो किस तरह से कलेक्ट करते हैं, किस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो ऑब्वियसली कलेक्शन ऑफ डाटा के ऊपर होगा, जिसमें आप पढ़ोगे कि जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, और किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, फिर सैम्पलिंग क्या होता है। काफ़ी ईजी है ये सारी चीज़ें, जब आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। फिर उसमें जब सैम्पलिंग लेते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए अगर हम कोई सैम्पल लेते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या एरर्स आ सकते हैं, वो क्या होते हैं, किस तरह से कलेक्ट करते हैं, उनके कितने कितने मेथड हैं। और यहाँ पर जो सेकेंडरी डेटा अगर आप यूज़ करते हो, तो उसके जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, और कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। फिर आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी किस तरह से उसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर आप वेरिएबल समझोगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझोगे। अगर आपने 9th और 10th में जो मैथ्स के आपके चैप्टर थे, टेबल को बनाना, वहाँ पर अगर आपने अच्छे से किया है तो आप इजीली यहाँ पर कर पाओगे। फिर इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इसमें आप डायग्राम बनाना सीखते हैं, जैसे कि पाई चार्ट कैसे बनता है, हिस्टोग्राम कैसे बनता है, पॉलीगॉन कैसे बनता है, एटसेट्रा। यूनिट सेकंड तक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले भी इसमें पढ़ा हुआ है। फिर आ जाता है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, यानी जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उनसे किस तरह से डिसीजंस लेने चाहिए। तो डिसीजंस लेने के लिए कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, कुछ टूल्स हमें चाहिए होते हैं। उन टूल्स का नाम है सबसे पहले मीन, मीडियन, मोड। इसके बारे में भी आप पहले मैथ्स में पढ़ चुके हो अपनी क्लास 9th और क्लास 10th में। तो यहाँ पर भी सिंपल मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आप सीखोगे। फिर जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, ये आपके लिए नया है, ये आपने पहले कभी नहीं किया है। डिस्पर्जन का मतलब होता है चेंज और बदलाव, कि यानी जिस इन्फॉर्मेशन से आप मीन, मीडियन, मोड निकाल रहे हो वो किस हद तक एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है, किस हद तक उसकी इन्फॉर्मेशन सही से बताती है। तो रेंज, क्वार्टाइल, डेविएशन, ये सब भी आप पढ़ोगे। रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन बिल्कुल मीडियन की तरह ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। फिर मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको अच्छे से करना है। आगे चलकर इसी के बेस पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर रिलेटिव डिस्पर्जन क्या होता है, फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब आप समझोगे। उसके बाद आ जाता है कोरिलेशन, मतलब कि किस तरह से अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके जो मेथड्स होते हैं वो आपको याद करने हैं, कार्ल पियर्सन मेथड, टू वेरिएबल अनग्रुप्ड डेटा का, और स्पेयर्समैन्स रैंक कोरिलेशन। तो यही दो मेथड आपको याद करने हैं कोरिलेशन में। अगर इसके अलावा कोई मेथड्स हैं आपकी बुक में तो वो आपको याद नहीं करने हैं। फिर आ जाता है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जनरली आपने सुना होगा कि जो महंगाई दर है वो घट गई है, बढ़ गई है, तो वो किस तरह से निकाली जाती है, वो इंडेक्स नंबर्स के थ्रू ही निकाली जाती है। तो यहाँ पर आप समझोगे कि मीनिंग क्या है, इसके क्या मतलब है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स क्या होता है, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और इसके बाद फिर जब कभी भी आप बिजनेस न्यूज़पेपर उठाओगे तो आपको काफ़ी हद तक उसमें सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, जो कि शायद पहले आपको समझ में नहीं आती थी।
उसके बाद पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये आपके लिए एक नया चैप्टर है, नया कंसेप्ट है। इससे पहले आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा। ये पहले 12th क्लास में हुआ करता था लेकिन अब ये 11th क्लास में आ गया है। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, ये अकेले 4 नंबर के जिसमें आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जैसे कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये सब इसमें सीखोगे। फिर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर आपका यूनिट 5th स्टार्ट हो जाता है कंज्यूमर्स किस तरह से अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचता है और डिमांड यानी मांग क्या होती है, ये आपका 13 मार्क्स का है और काफ़ी सारे कंसेप्ट्स इसमें इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप इसका मतलब ही जानोगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि यानी कोई उपभोक्ता अपने सेटिस्फेक्शन पॉइंट तक किस तरीके से पहुंचता है, यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, और ये मार्जिनल यूटिलिटी जो कंसेप्ट है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको जरूर याद करना है। साथ ही साथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगर हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते जाते हैं तो हमें उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसका यूज़ बढ़ाते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, उससे मिलने वाला संतोष, उससे मिलने वाली खुशी कम होती जाती है सिंपल वर्ड्स में। और ये एनालिसिस आप पूरा समझोगे मार्जिनल यूटिलिटी को यूज़ करके, इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व से किस तरह से समझा जाए ये आप पढ़ोगे, और जो इंडिफरेंस कर्व है से रिलेटेड सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। इसको जब बनाओगे तो आपको कई और चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स क्या होते हैं एटसेट्रा। फिर आ जाता है आपका डिमांड यानी मांग क्या होती है, इसके निर्धारक तत्व क्या हैं, डिटर्मिनेशन फैक्टर्स क्या हैं, मार्केट डिमांड बाजार मांग क्या होती है, डिमांड कर्व क्या होता है, जनरली इस तरीके से बनता है जो कि आप अपनी क्लासेस में समझोगे। फिर स्लोप क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है एटसेट्रा। फिर इसके बाद पढ़ोगे आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मांग की लोच, इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की कीमत घटती है या बढ़ती है तो उस पर उसकी मांग का क्या असर पड़ता है। अगर मांग पर बहुत असर पड़ता है तो जो इलास्टिसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और अगर कीमत बढ़ने पर या घटने पर उसकी डिमांड में उसकी मांग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो जो इसकी इलास्टिसिटी होगी वो बहुत ही कम होगी। उसके बाद आ जाता है यूनिट 6, और यूनिट 6 भी है आपका 13 मार्क्स का। पहले आपने कंज्यूमर के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पर आप प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ोगे। कंज्यूमर चीज़ों की मांग करता है, उसको यूज़ करता है, तो प्रोड्यूसर चीज़ों को बनाता है और उसकी मार्केट में सप्लाई करता है। तो सबसे पहले आप प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ोगे कि जो उत्पादन है वो किस तरह से होता है, कौन से जो फैक्टर्स है जिनसे प्रोडक्शन प्रभावित होता है, शॉर्ट रन में क्या है, लॉन्ग रन में क्या है, फिर जो प्रोडक्ट है, जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, रिटर्न टू ए फैक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से याद करना है, जिसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में समझोगे। वहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी था, यहाँ पर आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। फिर आ जाता है कॉस्ट यानी लागत। ऑब्वियसली किसी चीज़ को बनाने में पैसा तो खर्च होता है, उसकी कॉस्ट तो आती है, तो कॉस्ट का क्या मतलब होता है, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये सारे कंसेप्ट आप समझोगे, साथ ही साथ मार्जिनल कॉस्ट भी समझोगे। और मार्जिनल अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आप रुक जाना और उसको अच्छे से समझ लेना, तो आपको इकोनॉमिक्स काफ़ी हद तक अच्छे से समझ में आने लगेगी। उसके बाद आ जाता है रेवेन्यू यानी आय। तो जैसे आपने कॉस्ट पढ़ा टोटल फिक्स एटसेट्रा, तो ऐसे ही आप टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ोगे। यहाँ पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इसकी हेल्प से आप कई सारी चीज़ें समझोगे, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, और ये एक टेबल बनाने के लिए आती है क्वेश्चन में कई बार, जिसमें अलग अलग तरह की रेवेन्यू या फिर कॉस्ट दी होती है और एक दो कॉलम खाली छोड़े होते हैं जो आपको भरने होते हैं, तो इसीलिए इनका आपस में क्या रिलेशन है ये भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और फिर जो प्रोड्यूसर है वो किस तरह से अपने सेटिस्फेक्शन पॉइंट यानी किस तरह से वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचता है मार्जिनल कॉस्ट को यूज करते हुए, तो ये आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था यानी मांग की लोच, ऐसे ही है पूर्ति की लोच, और इसको यहाँ पर भी हम परसेंटेज चेंज मेथड से फाइंड आउट करना सीखेंगे। फिर आ जाता है सप्लाई की, कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी उत्पादक चीज़ों को, सामान को किस तरह से सप्लाई करता है, किस तरह से पूर्ति करता है,
तो सप्लाई क्या होती है, मार्केट सप्लाई क्या होती है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ जाए तो सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज का सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा, किसी अलग वस्तु की कीमतें बढ़ जाएं तो सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा एटसेट्रा। फिर सप्लाई कर्व क्या होता है, उसको किस तरह से निकालते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। जैसे कि डिमांड कर्व आपने सीखा था तो यहाँ पर आप सप्लाई कर्व सीखोगे। उसके बाद लास्ट यूनिट बचती है जिसका नाम है यूनिट 7, और ये आपके 10 नंबर की है। ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है और कंपैरेटिवली और चैप्टर से इजी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें आप पढ़ोगे अलग अलग मार्केट के बारे में कि कितनी तरह की मार्केट होती हैं, जिसमें से सबसे पहला ही है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट क्या होती है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, किस तरह से यहाँ पर डिमांड और सप्लाई कर्व काम करते हैं, शिफ्ट करते हैं। फिर आ जाता है अदर मार्केट फॉर्म्स, इसके अलावा और कौन सी मार्केट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि मोनोपोली, यानी एक ऐसे बाजार जिसमें सिर्फ एक ही उत्पादक होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। फिर आ जाता है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसमें आपके प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोज दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है, लगभग हर बार एग्जाम में आता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।